वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हनी तिवारी, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्रैक्ड हिल्स की रेमेडी, यानी कि ट्रीट योर हिल्स विद टर्निप। किस तरह से आप शलजम की मदद से, यानी कि टर्निप की मदद से जो है अपने हील्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपकी हील्स बहुत ज़्यादा क्रैक्ड, यानी कि एड़ियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, जिनके लिए इनके लिए बहुत ही मुफीद ये रेमेडी है। आपने क्या करना है, इस टाइप इस साइज़ का टर्निप लेना है, यानी कि शलजम लेना है। आप चाहे तो बड़े साइज़ का भी ले सकते हैं, और इसे इसके छिलके उतार कर आपने इसे बॉयल कर लेना। आप चाहे तो छिलके समेत भी बॉयल कर सकते हैं, मगर छिलके उतार कर लें, ताकि जो है ये अच्छे सॉफ्ट और नर्म हो जाए। जब ये बॉयल हो जाए तो आपने इसे एक बाउल में निकाल लेना है, और इस तरह से वो हो जाएंगे ये सॉफ्ट। और इसे फॉक की मदद से जो अच्छी तरीके से मैश करना है। मैश करने के बाद आपने इसे फॉक की मदद से अच्छी तरीके से मैश करें। मैश करने के बाद आपने इसके जो है इसमें मौजूद जो एक्स्ट्रा जूस है इसकी जूस को एक्स्ट्रैक्ट करना है। आप किसी भी स्ट्रेनर की मदद से कर सकते हैं, मगर आप इसमें मलमल का कपड़ा यूज़ करते ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छी तरीके से इसे जो है इसके जूस को निकाल लें, एक्स्ट्रैक्ट कर लें इसके जूस को, और किसी भी स्ट्रेनर की मदद से भी आप कर सकते हैं। और इसमें फिर जब इसका जूस निकल जाए तो इसे एक बाउल में निकालें इसके पल्प को, और आपने इसमें मिलाना है पेट्रोलियम जेली। यहाँ वैज़लीन का पेट्रोलियम जेली, वाइट पेट्रोलियम जेली यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, वैज़लीन का यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना। मिक्स करने के बाद आपने बहुत अच्छी तरीके से इसे मिक्स करें, ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आपने इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ताकि एक ये क्रीमी शक्ल में आ जाए। और मिक्स करने के बाद आप इसे अपनी एड़ियों में लगाएं, यानी कि क्रैक्ड हील्स में लगाना है। आप देख सकते हैं कि ये क्रीमी शक्ल में आ चुका है। और आप चाहें तो अपनी हथेलियों में भी लगा सकते हैं, जिनकी हथेलियाँ जो हैं, जिनके पाम जो हैं वो सर्दियों में फट जाते हैं, और ऊपर का हिस्सा भी जो है हाथों का जो फट जाता है, तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। ये इसे भी सॉफ्ट करेगा। और आपने अपने क्रैक्ड हील्स में लगाना, आपने डबल सॉक्स पहनना है। आप देख सकते हैं कि जब मैंने पाम में थोड़ा सा लगाया तो मेरे पाम जो है कितनी सॉफ्ट और पिंकिश हो जाएगी। इसी तरह आपकी हील हो जाएंगी बिल्कुल बेबी सॉफ्ट और पिंकिश। आप चाहें तो इसे पैरों में भी लगा सकते हैं, अपने फीट पे भी लगा सकते हैं, और हील्स में भी लगा सकते हैं। और डबल सॉक्स पहनना है, क्योंकि शलजम में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हीलिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद आपकी क्रैक्ड हील्स जो है वो बेबी सॉफ्ट हील्स बन जाएंगी, और साथ ही साथ आपकी हील की जो स्किन है वो सॉफ्ट हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, और पिंकिश भी हो जाएगी। तो आप इस रेमेडी से जो है वो प्यार करने लगेंगे, और साथ ही साथ अपनी हील से भी प्यार करने लगेंगे। तो ज़रूर इस रेमेडी को यूज़ कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर लीजिएगा अपना, और अपनी स्किन का ख्याल रखिएगा। गुड बाय।